हाय एवरीवन, मैं सर पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कितने नए मेडिकल कॉलेजेस इस साल शुरू होने जा रहे हैं, कितनी एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट्स बढ़ने वाली हैं, उनका कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साथ ही आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन में कितनी रैंक्स तक आपकी कैटेगरी में कॉलेज मिल सकता है, साथ ही अपन बात करने वाले हैं अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप कैसे पूछ सकते हैं उसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि इस साल आपके 27 नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है, जिनको राउंड वन के लिए परमिशन मिल चुकी है एनएमसी की तरफ से, ठीक है। टोटल सीट्स हैं इनकी 3050, इनमें से आपकी 15% कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स रहेंगी वो अराउंड होने वाली है 455 के अराउंड, ठीक है। 455 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में बढ़ने वाली है, ये राउंड वन की बात है। राउंड टू के लिए परमिशन कुछ कॉलेजेस को भी मिल सकती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इस कट ऑफ का क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो एज सच कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एक एक नंबर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, 200-250 और नीचे आओगे तो 400-500 बच्चे भी एक एक मार्क्स पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे। तो कोई ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी स्टेट कोटाज के अंदर, जिन स्टेट्स के अंदर ये कॉलेजेस खुले हैं, लाइक अगर यूपी में इनमें 27 में से 9 मेडिकल कॉलेज यूपी में खुले हैं, तो यूपी के स्टेट कोटा की कट ऑफ पर डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज आएगा, 4 से 5 नंबर का सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। पर ऑल इंडिया कोटा में एज सच कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो ऑल इंडिया कोटा में आपकी कितनी रैंक्स तक आप सेफ हो, फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। वो जनरल कैटेगरी की मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको ऑल इंडिया कोटा राउंड वन में कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा, तो 12,300 तक आप मान के चलो, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 13,000 के आसपास मान के चलो, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में ऐसा जितना खास फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, चाहे रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ हो पर इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि किसी भी बच्चे को ओपनिंग कैटेगरी से ओबीसी से डेफिनेटली उसको बेटर कॉलेज मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो अपनी कैटेगरी से कॉलेज लेगा। और इसलिए जनरल वाली कैटेगरी से अगर उसको कॉलेज तो डेफिनेटली मिल रहा होगा पर उतना अच्छा नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो जनरल वाली सीट नहीं लेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फर्क पड़ेगा ऑलमोस्ट आपका 700 से 800 रैंक्स का पड़ने वाला है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो वही 13,000 के आसपास, और अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 70,000 एंड एसटी कैटेगरी 90,000। ये मैं फर्स्ट राउंड की मैं बता रहा हूँ क्योंकि फ्री एग्जिट होता है, फर्स्ट राउंड में आप सीट लेने के बाद छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपके पास में ये ऑप्शन होता है, इसलिए हर कोई सीट अलॉट करवा लेता है, फिर अपने रैंक के अकॉर्डिंग स्टेट में ले लेता है। इसलिए ही ज़्यादातर जो फर्स्ट राउंड में जो सीट फिल हो जाती है उनमें से ज़्यादातर सीटें सेकंड राउंड में ऐड हो जाती है, क्योंकि उन पर रिपोर्टिंग ही नहीं होती, क्योंकि बीच में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ऑल इंडिया के बीच में स्टेट का फर्स्ट राउंड हो जाता है, जिससे बच्चे कॉलेज वहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, फाइनल कट ऑफ नहीं होने वाली, इसके बाद में डेफिनेटली बहुत पीछे तक आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत बच्चों के डाउट आ रहे हैं, पर्सनल काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक सेशन भी रखा था, लाइव सेशन, जिसमें आपने अपने डाउट्स पूछे थे मेरे से, तो मैं एक और लाइव सेशन रखने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी पे मैंने एक लाइव सेशन और शेड्यूल कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस सेशन का, ठीक है। उस सेशन के लिंक को जाके आप ओपन करके एनरोल कर लीजिए, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और फिर आपको एक कोड अप्लाई करना है, ठीक है, आपसे कोड पूछा जाएगा, तो PULKIT10 PULKIT10 आपको कोड अप्लाई करना है, फिर आप फ्री लाइव सेशन में आ पाओगे, ठीक है। उस सेशन में आप काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी डाउट है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कौन सा कॉलेज लें, कौन सा नहीं लें, कॉलेज कैसे प्रीफर करें, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन है काउंसलिंग से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो आप डेफिनेटली जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाके एनरोल कर लेना अभी, जिससे कि कल शाम को 8 बजे सेशन है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे ही सेशन स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस सेशन का, आपका सेशन मिस ना हो, आप जो भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड पूछ पाए, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आप अनअकैडमी पे आस्क मी ए डाउट का फीचर आ चुका है, अनअकैडमी आस्क ए डाउट का फीचर आ चुका है, तो इसमें आप अनअकैडमी पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट का आपको वीडियो सजेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बता रहा हूँ, इसके लिए आपको बिल्कुल भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में सेशन में आ सकते हैं, अपने जो भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में मैं बात करूँ तो अनअकैडमी पे कुछ पेड बैचेस भी है, आपको पता है अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी होता है, तो आप अगर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हैं तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो काउंसलिंग से रिलेटेड, जैसे जैसे काउंसलिंग आपके आगे बढ़ती जाएगी मैं बनाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।